यापर इस वीडियो के दौरान आप किस तरह से वाइड एंगल फोटो को क्लिक कर सकते हो विदाउट वाइड एंगल सेंसर के साथ। तो यहां पर हमने लेजेंडरी पोको F1 डिवाइस के ऊपर जो है वाइड एंगल सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, यहां पर जो है शायद डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है एंड जो मेन कैमरा सेंसर है वो अवेलेबल है। तो यहां पर पोको F1 डिवाइस के ऊपर जो है वाइड एंगल सेंसर जो है जो अल्ट्रा वाइड लेंस जो है अवेलेबल नहीं है, बट हम जो है यहाँ पर विदाउट अल्ट्रा वाइड लेंस वाइड एंगल फोटो को क्लिक करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक देखना, लाइक एंड शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर सकते हो। एनीवे, यहाँ पर हमने पोको F1 डिवाइस के ऊपर GCam AGC9.1 का जो लेटेस्ट अपडेट है इंस्टॉल किया है। ये जो गूगल कैमरा है, इस गूगल कैमरे के साथ आप जो है काफी बढ़िया सोशल मीडिया रेडी फोटो क्लिक कर सकते हो, प्लस यहाँ पर अल्ट्रा वाइड लेंस के बगैर वाइड एंगल फोटो को भी क्लिक कर पाओगे। तो वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले ये जो GCam है, इस GCam का जो है डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस गूगल कैमरा को डाउनलोड करना होगा। पहली दफा ओपन करने के बाद आपको कुछ परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर अल्ट्रा वाइड फोटो क्लिक करने के लिए आपको सिंपली सबसे पहले जो है यहाँ पर जो पैनोरामा का जो ऑप्शन है, इसके साथ आपको यहाँ पर फोटो एस्पर करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर बाय डिफॉल्ट फोटो एस्पर ऑप्शन जो है अगर एनेबल नहीं है, तो आपको यहाँ पर स्वाइप अप करके मोर सेटिंग्स में जाना होगा। मोर सेटिंग्स में जाके यहाँ पर डिवाइस इंटरफेस का जो ऑप्शन है, इसमें अगर पिक्सल 8 प्रो सिलेक्ट है तो यहाँ पर फोटो एस्पर का जो ऑप्शन है एनेबल नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर पिक्सल 8 प्रो को जो है यहाँ पर चेंज करके पिक्सल 7 प्रो सिलेक्ट करना होगा। तो अगर बाय डिफॉल्ट ऑटो सिलेक्ट है और फोटो एस्पर मोड नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पर आपको पिक्सल 7 प्रो सिलेक्ट करना होगा। पिक्सल 7 प्रो सिलेक्ट करने के बाद गूगल कैमरा को रीस्टार्ट करना होगा। देख सकते हो यहाँ पर GCam जो है पर रीस्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर कैमरा साउंड एंड स्टेबिलाइजेशन को बंद कर दिया है। एनीवे, तो यहाँ पर आपको सिंपली ये जो ऑप्शन है, ये जो फोटो एस्पर का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को एनेबल करना होगा। अगर बाय डिफॉल्ट फोटो एस्पर का जो ऑप्शन है एनेबल नहीं है तो यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर मोर सेटिंग्स में जाके डिवाइस इंटरफेस में जाके पिक्सल 7 प्रो सिलेक्ट करना होगा। पिक्सल 7 प्रो सिलेक्ट करने के बाद ये जो फोटो एस्पर का जो ऑप्शन है एनेबल हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, क्योंकि इस ऑप्शन के साथ आप जो है अल्ट्रा वाइड फोटो क्लिक कर पाओगे विदाउट अल्ट्रा वाइड सेंसर। यहाँ पर जो है देख सकते हो फोटो एस्पर सेटिंग्स में 360 फोटो सिलेक्ट है, तो यहाँ पर 360 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा वाइड एंगल, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर इस GCam को डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद फोटो एस्पर मोड में आके यहाँ पर वाइड एंगल ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। वाइड एंगल ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद स्वाइप डाउन करके कुछ इस तरह से UI देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर मल्टीपल फोटो क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर एक वाइड एंगल फोटो देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर जल्दी से मल्टीपल फोटो क्लिक करते, तो यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल फोटो क्लिक हो रहा है कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको अलग अलग फोटो क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर मल्टीपल फोटो क्लिक कर सकते हो और एक बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो फोटो क्लिक हो रहा है एंड इस तरह से आपको मल्टीपल फोटो क्लिक करना होगा वाइड एंगल फोटो क्लिक करने के लिए। इस तरह से आप जो है अच्छे से, अगर आपके पास ट्राईपॉड है तो बहुत बढ़िया, ट्राईपॉड के साथ जो और भी अच्छे से आपको यहाँ पर फोटो देखने को मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पर फोटो जो है पर क्लिक हो गया है एंड फोटो क्लिक होने के बाद जो है पर फोटो प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर जो है फोटो प्रोसेस भी हो गया है, देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर फोटो प्रोसेस होकर कुछ इस तरह से UI देखने को मिलेगा। जैसे आपको पता है अगर आप आउटसाइड में जाके यहाँ पर फोटो क्लिक करोगे तो आपको और भी अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। और एक बार फोटो को जो यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो सिंपली यहाँ पर फोटो एस्पर मोड में जाके यहाँ पर हमने जो है वाइड एंगल को सिलेक्ट किया है और एक बार फोटो क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हम जो सिंपली लैंडस्केप मोड में फोटो को क्लिक करने वाले हैं। तो आपको अच्छे से जो है फोन को यहाँ पर होल्ड करना होगा एंड देख सकते हो हमने यहाँ पर फोटो को क्लिक किया है। इस तरह से आप जो है अल्ट्रा वाइड फोटो क्लिक कर पाओगे एंड यहाँ पर जो है इसके साथ में आप जो है बैक भी आ सकते हो। तो आपको अच्छे से जो है इस तरह से फोटो क्लिक करना होगा। तो यहां पर और भी एक बार फोटो क्लिक करते हैं,
एंड यहाँ पर फोटो जो है क्लिक हो गया है। बाकी यहाँ पर जो सेव का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा, फोटो जो यहाँ पर सेव हो गया है। उसके बाद जो है फोटो यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा, फोटो प्रोसेसिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, देखते किस तरह से यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो फोटो के ऊपर रिजल्ट देखने को मिल गया है। डेफिनेटली अगर आप आउटडोर में जाके फोटो को क्लिक करके आपको और भी ज्यादा अच्छा फोटो देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल जो है पर 2024 में जितने भी फोन लॉन्च हो रहे हैं ऑलमोस्ट सभी फोन में जो है पर वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाएगा। बट इस मेथड को फॉलो करके आप जो है पर मेन कैमरा से जो है हाई रेजोल्यूशन के साथ बढ़िया डिटेल्स के साथ जो है फोटो को क्लिक कर पाओगे। तो ये जो वाइड एंगल लेंस का जो मेथड है काफी इस सही से काम कर जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पर जो अल्ट्रा वाइड लेंस है उसके साथ फोटो क्लिक करना इजी है, बट उसमें आपको शायद इतना अच्छा क्वालिटी देखने को ना मिले। बट यहाँ पर अगर आप मेन कैमरा से ही वाइड एंगल फोटो क्लिक करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर फोटो एक्सपर मोड का ऑप्शन है, प्लस पैनोरामा का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। यहाँ पर वर्टिकल फोटो क्लिक कर पाओगे लैंडस्केप के साथ, एंड सेम यहाँ पर जो फोटो एक्सपर ऑप्शन है इसके साथ भी आप जो है यहाँ पर 360 फोटो क्लिक कर पाओगे। तो यहाँ पर देख सकते हो 360 फोटो क्लिक करने के लिए जो फोटो एक्सपर ऑप्शन है काफी यूजफुल है। इसके साथ आप जो है 360 फोटो को भी क्लिक कर सकते हो। प्लस जैसे आपको पता है ये जो गूगल कैमरा है इसको आप सिर्फ 360 फोटो और वाइड एंगल फोटो क्लिक करने के लिए नहीं, इसके साथ आप जो है काफी बढ़िया सोशल मीडिया रेडी फोटो को भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर फ्रंट कैमरा बैक कैमरा दोनों के साथ जो है 4K 30fps 4K 60fps प्लस यहाँ पर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। 8K 60fps का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। सबसे बढ़िया बात है यहाँ पर जो है फ्रंट कैमरे के साथ भी आप जो है 8K वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है सिंपली वीडियो में स्विच करते हैं एंड यहाँ पर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है फ्रंट कैमरे के साथ भी अवेलेबल है। यहाँ पर आप जो है 8K 60fps के साथ वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। डेफिनेटली आपके डिवाइस के ऊपर जो है 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो है सपोर्ट होना चाहिए, जो कि काफी सही है। प्लस यहाँ पर 10-bit HDR वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। तो आप जो है यहाँ पर HDR वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड यहाँ पर इस गूगल कैमरे का जो बिल्ड है लगभग 300+ डिवाइस के ऊपर काम कर जाएगा। यहाँ पर स्नैपड्रैगन एक्सिनोस मीडियाटेक टेंसर चिपसेट के साथ भी काम करेगा। एंड सबसे बढ़िया बात है यहाँ पर अगर आपके डिवाइस के ऊपर मल्टीपल लेंस का ऑप्शन है तो यहाँ पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो पोको F1 डिवाइस के साथ जो है मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है बाइडफॉल्ट एनेबल रहता है। एंड यहाँ पर आप हर एक कैमरा लेंस के लिए अलग अलग सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर लेंस सेटिंग्स का जो फीचर्स है ऐड किया गया है काफी बढ़िया तरीके से काम कर जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है लाइका मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर लाइका सिनेमेटिक इफेक्ट के साथ फोटो क्लिक कर सकते हो। HDR नेट का ऑप्शन है, ऑटो वाइड बैलेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क का जो फीचर से यहाँ पर काम कर जाएगा। पोर्ट्रेट मोड के साथ भी काफी बढ़िया फोटो देखने को मिलेगा। यहाँ पर फेस रिटचिंग का जो फीचर से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट मोड के साथ 7.6x तक जूम का ऑप्शन है, डबल टैप टू जूम का जो फीचर से यहाँ पर ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से जूम स्लाइडर देखने को मिलेगा। नाइट सेट मोड के साथ जो है 8x तक जूम का ऑप्शन है। एक चीज हमने नोटिस किया है यहाँ पर ये जो गूगल कैमरा का जो बिल्ड है इसके साथ जो आप काफी बढ़िया सोशल मीडिया रेडी फोटो को क्लिक कर सकते हो। एंड यहाँ पर एंड्रॉयड 11 से एंड्रॉयड 14 तक सभी एंड्रॉयड वर्जन के साथ ये जो जीकैम का जो बिल्ड है यहाँ पर काम कर जाएगा। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड, फोटो, नाइट साइड, पैनोरामा, ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पर स्लो मोशन टाइम लैप्स का जो फीचर से ऐड किया गया है। इवन अगर आप चाहो तो यहाँ पर 8K टाइम लैप्स वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। डेफिनेटली आपके डिवाइस के ऊपर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो है पर सपोर्ट होना चाहिए। यहाँ पर पोको F1 डिवाइस के साथ जो है स्लो मोशन का जो ऑप्शन है काम नहीं कर रहा है। बाकी यहाँ पर जो नाइट साइड मोड है यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। नाइट साइड मोड के ऊपर कुछ इस तरह से ब्लैक स्क्रीन शो कर रहा है। बट डेफिनेटली हमारे पास जो दूसरा डिवाइस है हमने यहाँ पर पोको F5 डिवाइस के साथ भी सेम गूगल कैमरा को इंस्टॉल किया है। देख सकते हो यहाँ पर भी 4K 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर जो है स्लो मोशन काम कर जाएगा, प्लस नाइट सेट मोड भी काम कर जाएगा। कोई भी ब्लैक स्क्रीन का जो प्रॉब्लम है यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर एस्ट्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन है, मैनुअल फोकस का ऑप्शन है, प्रो मोड के साथ भी अलग अलग ऑप्शन को ऐड किया गया है यहाँ पर देख सकते हो।
तो यहाँ पर हमने अलग अलग डिवाइस के ऊपर इस गूगल कैमरा को इंस्टॉल किया है, काफी बढ़िया जो है पर फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा। रिसेंटली हमने लेटेस्ट जीकैम का जो है रिव्यू वीडियो भी अपलोड किया है, सिंपली गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीकैम एजीसी 9.1 का जो है डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।